तस्मै श्री गुरवे नमः। गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवतये प्रभु नित्यानंद हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद वल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री कृष्णमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी का चरण में यथाजोग्य प्रणाम। हे गौर कृपानंद हरे कृष्ण। किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न किया, हमारे मन में तरह तरह का विचार आता है, देखना कखन भोगेर कखन त्यागेर छलनाय मन नाचे एमन प्रेमेर। हाँ, प्रेमेर ठाकुर गोरा वो भक्तिमन ठाकुर उसमें कहते हैं, कहते कखन भोगेर कखन त्यागेर। हमारे मन में कभी इच्छा होता है भोग की लालसा होता है, कभी इच्छा कहता है नहीं भैया भोग में शांति नहीं त्याग में शांति है। इसलिए प्रवृत्ति रे सब होता नाम निवृत्त महाफल, मतलब जो प्रवृत्ति मार्ग में जो फल है उससे अच्छा फल है निवृत्ति मार्ग में। प्रवृत्ति मार्ग में जो फल अच्छा है नहीं, जैसे आग में जितने घी डालोगे ना वो घी धधकते रहेगा, वो कभी बुझेगा नहीं, उतना धधकते रहेगा। इसलिए अगर कोई सोचे नहीं संसार भोग करते करते जब विरक्ति हो जाएगी तब हम भक्ति करेंगे, कभी कभी बोलते अभी तक इसकी विरक्ति हुई नहीं है, संसार का डंडा सब खा रहे हैं, सबका डंडा खा रहे हैं, लेकिन जितना डंडा खा रहे हैं उतना चिपकते जाते हैं। देखना संसार में सबका गाली सुनता है, माँ की पत्नी की बच्चों की, लेकिन संसार से किसकी विरक्ति नहीं होता है। देखना भले ही जितने गाली सुनता जाता है ना उतने ही अटैच होते जाता है, उतना नाती उतना पोती उतना बेटा उतना संपत्ति। आप देखना घर में जितने बड़े बूढ़े देखना धीरे धीरे उम्र होने पर क्या होगा, आसक्ति कम होनी चाहिए, आसक्ति कम होता है देख लो हर घर में, किसी की आसक्ति कम नहीं होगा। देखना जितना बड़े बूढ़े होते जाएगा उतना ही माया में चिपकते जाता है, उतना ही चिपक जाता है माया में, वो माया छोड़ता है नहीं, माया में उतना चिपकता है। देख हर घर घर में देखना है, हर घर घर में यही कहानी है, हैं? इसलिए कहते बचपन में बच्चों का प्यार खुजली होती है, और जवान में शरीर में खुजली होता है, और बुढ़ापा में मुंह में खुजली होती है। बड़े बड़ों को देखना दिन भर बोलते रहते देखोगे, दिन भर बोलते रहेंगे देखोगे, उनका मुंह बंद नहीं होगा। इसलिए कहते हमारे मन में तरह तरह का हमारे मन में विचार आता है, लेकिन किसने पूछा की विचार कर ले मंगल है वे, कहते कौन सा विचार करने से हमारा मंगल है। विचार तो बहुत तरह तरह का है। प्रभुपाद कहते विश्व के भगवत सेवक देख ले आर कौन दुख थाके ना, कहते विचार क्या करनी चाहिए, कौन सा विचार होनी चाहिए। कहते विश्व को भगवत सेवक, दुनिया को क्या देखनी चाहिए, जगत में जितने जीव है सबके सब भगवान का सेवक है, ये देखनी चाहिए। सबके सब जगत में भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागत होए निष्कपट भजन कर ले एक जन्म ही भगवत प्राप्ति हुई। कहते एक जीवन में हमें कैसे भगवत प्राप्ति हो सकता है, एक जीवन में हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो सकता है। कहते अपना स्वतंत्रता को हमें छोड़नी चाहिए, है ये जो स्वतंत्रता है, हम इस संसार में क्यों आए, आने का क्या कारण है।
हमने अपना स्वतंत्रता को अव्यवहार किया है, हैं? स्वतंत्रता को अव्यवहार किया, अव्यवहार करने का नाते ही इस संसार में बंधन हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर स्वतंत्रता को अगर हम सद्व्यवहार करते, फिर तो हम भगवान की भक्ति करते, भजन करते, फिर तो संसार में कोई दुख कष्ट ही नहीं रहता। लेकिन हमारी स्वतंत्रता को हमने क्या किया, उसको दुर्व्यवहार करने का नाते ये माया संसार में हम भटक रहे हैं, दुख कष्ट पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अपना स्वतंत्रता को छोड़ दो, छोड़ कर क्या करो, कहते हैं भगवान के चरण में शरणागत हो, हैं? इसलिए शरणागत मतलब छह तरह का शरणागत है। क्या क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से विवर्जन। भक्ति का जो अनुकूल है, जो काम करने से ठाकुर जी खुश होएंगे, वैष्णव गुरुदेव खुश होएंगे, हमें वही काम करनी चाहिए। वो काम हमें नहीं करनी चाहिए जो काम करने से ठाकुर नाराज होएंगे, गुरु वैष्णव नाराज होंगे, वो काम हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान के ऊपर में पूर्ण रूप में विश्वास रखनी चाहिए। क्या विश्वास रखनी चाहिए? कहते रक्षिष्यति इति विश्वास गुप्त वर्णम, तथा भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे ही, हैं? जैसे अंबरीष महाराज, दुर्वासा तो सारा दुनिया भटक रहे, लेकिन अंबरीष महाराज को पूर्ण विश्वास है, राखे हरि तो मारे के और मारे हरि तो राखे के। बोला हरि अगर जिसको राख जा के राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जगह बैरी होई, सारा दुनिया भले ही तुम्हारी बैरी शत्रु हो जाए, लेकिन भगवान जिनको रक्षा करता है उनको को जगत में कोई मार नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर में ये पूर्ण विश्वास रहनी चाहिए। और गुप्तरुते वर्णम तथा, और गुप्तरुत मतलब गुप्ता मतलब उन्होंने पालन करता, भगवान हमें जरूर पालन करेंगे। जब ठाकुर जी एक चींटी से लेकर के हाथी तक पालन करते हैं, क्या ठाकुर हमें नहीं पालन करेंगे? ठाकुर जी हमें नहीं पालन करेंगे, ठाकुर जी हमें जरूर पालन, अभी पालन कर रहे कि नहीं? रोज़ बढ़िया बढ़िया प्रसाद, हैं? रोज़ सवेरे सवेरे गरम गरम ये भक्त बनाकर ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। घर में कोई एक चीज़ खाता होगा, यहाँ पर तो रोज़ रोज़ अलग अलग है ना, अलग अलग प्रसाद मिलता है, बढ़िया। इसलिए भगवान के ऊपर में विश्वास रखनी चाहिए, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे और भगवान हमें पालना करेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे विश्वास नहीं होता है। बोले विश्वास क्यों नहीं होता है? कहते हमारे भगवान के प्रति विश्वास, कभी कभी कोई सोचते ना, नहीं हमारे कुछ बैंक बैलेंस रहनी चाहिए, हाँ? अगर बुढ़ापा में अगर कोई नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? हमारी ये पैसा देखेगा, बैंक में जो पैसा रहेगा वही पैसा ही हमें देखेगा, हैं? लेकिन भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है। भगवान की भजन करने से भगवान हमें संपूर्ण रक्षा करेंगे, कभी कभी इसी विषय पर हमारे विश्वास नहीं होता है, हैं? कभी कभी नहीं होता, क्यों? कारण किया, कारण है हमारी भक्ति में जैसे भक्ति करनी चाहिए हम भक्ति वैसे नहीं कर रहे हैं। अगर हम भक्ति करेंगे, अम्बरीश महाराज वहाँ से क्यों भागे नहीं? कारण क्या था? भागे नहीं क्यों? उनको पूर्ण विश्वास था, रक्षा करने वाले वही है, रक्षा वही करेंगे, इसलिए उन्होंने भागे नहीं। उनको विश्वास क्यों हुआ? विश्वास क्यों हुआ? कारण है वो भगवान की भक्ति, उनकी दृढ़ता भक्ति थी, तभी उनको ये विश्वास हुआ है। इसलिए जब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होगा ना, ये भगवान का प्रति विश्वास हमारी नहीं होएगी। अगर हमारी भक्ति दृढ़ता होगी तभी हमें भगवान के प्रति हमारी विश्वास तभी होगा। अगर हम भक्ति दृढ़ता नहीं होगा तो फिर तो भगवान के प्रति हमारे विश्वास ही खत्म हो जाएगा। विश्वास ही खत्म, भगवान के साथ अंतिम समय में हम कौन देखेगा? इसलिए गुरुदेव कहते थे, हमारे नारायण गोस्वामी महाराज कहते, अंतिम समय में हमें कौन देखेगा, हैं? अगर हम जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर हम देखेगा कौन? हमारे महाराज को देखा, नारायण गोस्वामी महाराज को, इतने सेवक लगे हुए थे 24 घंटा, अंतिम समय में 24 घंटा, अब भक्तों को मौका नहीं मिल रहा था, खुद भक्त तो गुरु जी का सेवा करने के लिए पहुंच गए, लेकिन गुरुदेव बोले नहीं, इतना तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, गुरुदेव स्वीकार नहीं किया। तब भी माधव प्रिय प्रभु, मैं तो चाह रहा था गुरु जी की सेवा करने के लिए, बोले नहीं तुम वृंदावन में रहो, कथा करते थे ना, बोले तुम ये करते रहो, मैं बोल रहा था गुरुदेव मैं आपके साथ में रह जाऊँ, आपको सेवा कर लूँ, हैं? अंतिम समय में, मतलब अंतिम समय में जितना गुरु जी की सेवा हो पाए,
क्योंकि मैं गुरुदेव को तेल फेल लगाया करता था, सबसे पहले लगता था। गुरुदेव बोले नहीं, तुम प्रचार करते, तुम प्रचार करते, अभी सेवा है उनको। माधव प्रिय प्रभु, हमारी संजय प्रभु, कृष्ण कृपा प्रभु, जो सिद्धांति महाराज, द्विजो प्रभु, माधव महाराज, और कितने, ब्रजनाथ प्रभु और सुंदर गोपाल, वो जो विदेश का, कितने सेवक लगे हुए थे गुरु जी के। जब हमारे गुरु जी अंतिम समय हुए, दो दो घंटा हर सेवक उनको सेवा में थे, दो दो घंटा हर सेवक। इसलिए जब गुरुदेव लास्ट शरीर छोड़े, मैं था उस समय। मैं हटा था कैसे, कलकत्ता में गुरु जी की अस्वस्थ हुए, हम गए कलकत्ता, हम हटा तो मैंने कहा गया गुरु जी का दर्शन करके आएंगे, मैं और एक ब्रह्मचारी गए। और दो दो सेवक हर समय गुरु जी के पास में रहते थे, दो दो सेवक सेवा करते थे। और जिस समय गुरुदेव 1:10 में शरीर छोड़े, मेरा कैसे भाग्य था, मैं गुरुदेव का हवा कर रहा था, मैं गुरुदेव का हवा कर रहा था, पुरी में नहीं कलकत्ता में, कलकत्ता में। और नृसिंहानंद प्रभु वहाँ पर थे, अच्छा जैसे परम जब, गुरुदेव। हाँ परम गुरुदेव का। इसलिए गुरुदेव के मुँह में जैसे जैसे महाप्रसाद होते, पानी ही कभी कभी पानी दे देते थे, और मैं सर में खड़े होकर के मैं गुरुदेव का हवा कर रहा था। करते 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 हटा, देखा गुरुदेव की आँख खुली। हाँ गुरुदेव आँख बंद किए हुए थे, गुरुदेव ने आँख खुली, आँख खुले तो मैंने सोचा गुरुदेव सही हो गए हैं, आँख खोले कुछ बोलेंगे, लेकिन उसी समय गुरुदेव ने शरीर छोड़े, मैं पूर्व गुरुदेव का हवा कर दिया था। इसलिए जितने हमारे गुरुवर्ग हुए हैं, जितने गुरुवर्ग हुए, अगर हम भगवान की भक्ति अगर हमारी सही हो, अगर हम तभी तो हमारी सेवा करेंगे। अगर भक्ति का नाम पर ठग रहे हैं, गुरु जी को ठग रहे हैं, वैष्णव को ठग रहे हैं, ठाकुर जी को ठग रहे हैं, फिर हमारी कौन सेवा करेगा? कोई घर वाले अभी तक आपके संसार में देखो, कोई किस समय मर जाता है किसी को पता नहीं चलता है। वो अगर बूढ़ा बुलाता बुलाता होगा ना, देख लेना वो बूढ़ा सोया हुआ है, नहीं तो बूढ़ी डोकरी सोई हुई। अगर देखेगा ना घर के बच्चे, वो रास्ता घूम करके जाते हैं, बोले क्यों, वो बूढ़ा बूढ़ी बुला नहीं दे हमें, और हमें बुला नहीं दे, फिर कोई सेवा करना पड़ जाएगा, वो घूम कर जाते हैं। लेकिन जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, हमारे गुरुदेव जब अंतिम समय में थे, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज आए, पुरी में, उस समय मैं पुरी में था, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी जब आए, तब उनको मेरे गुरु जी कह रहे हैं, मेरे गुरु जी बोले महाराज जी, मेरे जो सेवक है ना, मेरे बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात मेरे पास में रहते हैं, किसी चीज़ बोलने से पहले, हर चीज़ को बोलने से पहले हमें ला करके देते हैं, बोलने से पहले हमें ला करके मेरे सेवक देते हैं। तो भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज, हाँ मेरे समय तो नया नया आया था उस समय, हमारे जितने सेवक थे बड़े धन्यवाद दे रहे थे, बोले तुम लोग का जीवन धन्य है, गुरु जी की इतने सेवा कर रहे हो, गुरु जी प्रसन्न है तुम्हारे प्रेम में, गुरु जी स्वयं कह रहे हैं हमारी इतने सेवा कर रहे हैं, इतने सेवा कर रहे हैं, हमारे शिष्य लोग बड़े सेवा कर रहे हैं। इसलिए बोले गुरुदेव अगर खुश हो गए तो तुम्हारे जीवन धन्य है। भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज हम लोगों को बोले, हैं वहाँ पर हम सब उनको बोले। इसलिए हमारी सेवा कब कोई करेगा? अगर हम कभी गुरु वैष्णव का सेवा किए होंगे, ठाकुर जी का निष्कपट रूप में भजन भक्ति, तभी तो तुम्हारी सेवा करेंगे। गुरु वैष्णव को ठग के, गुरु जी को ठग के, ठाकुर जी का ठग के, भजन का नाम पर आलस्यता किया, तब तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? हमारे विश्वास क्यों नहीं होता है, हमारा क्यों नहीं होता है विश्वास? कारण है भक्ति में हमारी कमी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती खुद कहते हैं, सारा जीवन जब मेरा भजन साधन करता है, सारा जीवन, अंतिम समय में जब वो मेरा भक्ति नहीं कर पाता है, मेरा भजन नहीं कर पाता है, सारा जीवन मेरी सेवा की, भजन किया, अंतिम समय में जो वो मेरी सेवा नहीं कर, उसका सेवा मैं करता हूँ, भगवान खुद कहते हैं उसका सेवा मुझे करना पड़ता है, क्यों? सारा जीवन मेरा भजन भक्ति किया है। इसलिए जो हमारी भक्ति पक्की भक्ति होनी चाहिए, तब तो ठाकुर रिझेंगे ना, भगवान कब रिझेंगे, कब हमारी सेवा करेंगे? जब हमारी भक्ति पक्की हो, तभी तो ठाकुर हमारी सेवा करेंगे ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शरणागत होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होनी चाहिए, भगवान जरूर रक्षा करेंगे, भगवान जरूर हमें पालन करेंगे। इसलिए इसलिए बामन गोस्वामी महाराज हैं, वो बोलते मैं कभी बैंक में गया ही नहीं, कहते तो मेरे पकेट ही बैंक है। जिस मंदिर में जाते थे, हर मंदिर में जाते थे, उनको जो प्रणाम मिलता था, वो आते समय ना वो सारे प्रणाम वहीं पर देकर चले जाते थे, वहीं पर देकर चले जाते थे। हाँ इसलिए ये बोलते थे मेरे पकेट ही मेरे बैंक है, यही मेरे बैंक है, यही मेरे ठाकुर सब कुछ वही है। और अंतिम समय में देखो,
हमारे जितने गुरुवर्ग हुए हैं देखो कितना सेवक उनकी सेवा करने के लिए लाइन लगे रहते हैं गुरु जी का, हमें सेवा मिले, हमें सेवा मिले 24 घंटा में, 24 घंटा जी जान दे करके सेवा करते हैं, जी जान दे कर सेवा करते हैं। इसलिए हमारी शरणागति, प्रभुपाद कह रहे हैं भैया हमारे अंदर में हाँ भगवान तो तैयार ही है, ठाकुर जी तैयार ही है हमारी सेवा करने के लिए, प्रभुपाद के तैयार ही है, लेकिन हम तैयार ही नहीं भगवान की तरफ में जाने के लिए। भगवान तैयार ही, तू मेरे तरफ में 1 कदम बढ़, मैं 10 कदम बढ़ूंगा, लेकिन हमारी पैसा में विश्वास और परिवार में हमारे विश्वास है, यही लोग शायद हमें देखेंगे और शायद पैसा ही हमें देखेगा। भैया अभी तक तो किसको पैसा देखा नहीं, किसी को पैसा नहीं देखा, किसका परिवार नहीं देखे, बल्कि वो सब सोचते हैं कब ये डोकरा डोकरी मरे और कब ये सारे संपत्ति हमें, कब हमें प्राप्त हो, हैं कब हमें ये सब चीज़ को प्राप्त हो। अंतिम समय में देखने वाले कोई नहीं होते हैं। परिवार तो कभी कभी, तो कभी कभी बच्चे ही पिता माता की सेवा करना ही छोड़ देते हैं, कहते भाई बूढ़े के पास में कुछ पैसा है ही नहीं, ये बूढ़े बूढ़ी के पास में कुछ पैसा नहीं, इनका सेवा मत करो। लेकिन जब माल रहेगा ना, देखा पता चलेगा माल है, थोड़ी सेवा की बहाना दिखाएंगी, हैं ऊपर से दिखाएंगी सेवा करने की, जब देखे माल है ही नहीं इसको पास में, हैं सेवा नहीं करेगा। लेकिन गुरु वैष्णव भगवान जरूर हमें सेवा करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति पक्की होनी चाहिए, कच्चा भक्ति भी नहीं होगा, भक्ति हमारी पक्की होनी चाहिए। इसलिए अपना भजन को पक्के करो, इसलिए ऐसे कुछ समय समय निकालनी चाहिए जो कि हमें बैठ करके एक जगह पर हरि नाम करें, भक्ति अनुभूति कब होगा, अनुभूति तभी होगी जब हम भक्ति करेंगे। इसलिए हमें ऐसे समय निकालो जो कि हमें एक स्थान पर बैठे बैठ करके हृदय से पुकार पुकार करके, हृदय से अंतरात्मा से रो रो करके। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज कोई मंदिर में आया, बोले गुरु जी हमारे कल्याण कैसे होगा, बोले रोना सीखो, रोना सीखो। वो तो चक्कर में पड़ गए, बोले हम तो साधु संत के पास में आते, संसार में तो हम रो रहे हैं, संसार में सब जीव रो रहे हैं, हम साधु संत के पास में आते हैं रोना हमारे बंद हो जाए संसार का दुख कष्ट, और गुरु जी बताए रोना सीखो। वो तो चक्कर में पड़े, वो हिंदी भाषी थे तो वो समझ भी नहीं आया, बोले गुरु जी क्या बोले, ये कलकत्ता की बात है। इसलिए बोले बोले गुरु जी रोना सीखो। वो घर में गया, अभी रात भर उसको नींद नहीं आई, बोले गुरु जी बोले रोना सीखो, रोना सीखो, हम तो रो रहे हैं और कितना रोएंगे संसार में। फिर दूसरे दिन ही आए, दूसरे दिन ही आए, बोले गुरु जी आपने बताया रोना सीखो, हम तो रो रहे हैं संसार में, आपका चरण में आते थोड़ा शांति सुकून मिले, आप कह रहे रोना सीखो। तब उन्होंने बताया बोले देखो बच्चा, जब तक बच्चा नहीं रोता है ना तब तक मैया उसको दूध नहीं पिलाती, उसको दूध नहीं पिलाती हैं, जब वो रोएगा तभी मैया दूध दूध पिलाएगी, नहीं तो दूध नहीं पिलाती हैं। उसी तरह महाप्रभु कहते ना, नयनम गलदस्त धारया बदनम गदगद हृदया गिरा फुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, महाप्रभु स्वयं कहते हैं। इसलिए ऐसे कब आएगा जब तेरे नाम को लेकर के आंखों से आंसू की झरी बहे, है झरी बहे। इसलिए रो 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 करके क्या करनी चाहिए, भगवान के नाम जप करनी चाहिए रो रो करके, है ना, तभी हृदय उनकी पिघलती है। इसलिए भागवत में बताया तदस्म सारम हृदय बदतम, इसलिए अगर भगवान का नाम लेकर के आंखों से आंसू नहीं आ रही है क्या समझनी चाहिए, हमारे हृदय पत्थर है, अपराध से हृदय हमारे पत्थर है, इसलिए भगवान का नाम लेकर रोना हमें नहीं आती। इसलिए कुछ समय बैठ करके हमें रो रो करके हरि नाम करनी चाहिए, अब देखना अब कुछ अनुभूति होगा। किसने बोल दिया देखो रसगुल्ला मीठा है, एक व्यक्ति खाया और एक व्यक्ति नहीं खाया, लेकिन एक व्यक्ति सुना के बोले रसगुल्ला मीठा, जो सुना उसको पूछो भाई रसगुल्ला कैसे, बोले हमने सुना मीठा है, लेकिन जो रसगुल्ला खाया ना भैया रसगुल्ला कैसे है, वो जो बोलेगा ना उसको मुंह में पानी आ जाएगा, क्यों, उसने खाया है, वो व्यक्ति खाया रसगुल्ला है इसलिए उसको मुंह में पानी आएगा, भाई रसगुल्ला क्या मीठा है, उसको मुंह में पानी आ जाएगी कि वो खाया है। कहते उसी तरह हमने सुना है भगवान की भजन से हमारी कल्याण होती है, लेकिन भजन करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, और कलयुग में सर भगवान भजन का, भगवान नाम रूपे कलयुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार है, नाम रूप में भगवान है, इसलिए
अगर हम कुछ अनुभूति करना चाहते हैं, एक जगह में बैठो अच्छे तरह से और आंखों से आंसू बहाते हुए हृदय से भगवान को पुकारो। जब पुकारेंगे ना उसी समय जब अनुभूति तुम्हारी होगी, अगर तुमको कोई बोलेगा अरे भगवान के भजन कर रहे हो, पता नहीं बुढ़ापा में कोई देखेगा कि नहीं देखेगा तेरे को, जीवन तो ऐसे ऐसे बिता रहे हो, अगर जीवन में कोई देखा नहीं तो फिर क्या होगा? बोले भैया बात तो सही बता रहे हो, अब तो बात सही बता रहे हो, बुढ़ापा में कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? क्यों? कारण क्या? तुम्हारे अंदर में अनुभूति नहीं, इसलिए उसका बात को तुम मान लोगे। लेकिन जो भजन किया होगा ना, भगवान का जो भजन किया होगा, नहीं बोले सारा दुनिया को जो देखने वाले, एक चिट्ठी से लेकर के एक भाती तक जो देखते हैं, ब्रह्मा तक जो पालन करते हैं, जो भजन नहीं करते ठाकुर तभी उसको पालन करते हैं, क्या ठाकुर हमें पालन नहीं करेंगे? श्रीवास पंडित को महाप्रभु पूछे संसार चलेगा कैसे, चारों के चारे बहु भाई बैठ कर हरिनाम कर रहे हो, तुम्हारी संसार कैसे चलेगा? उन्होंने 3 बार ताली बजा दिए। गीता में आपने प्रतिज्ञा किया है, हमारे पूर्ण विश्वास है प्रभु आपकी भजन करने से कभी भूखा नहीं रहेगा, हाँ भूखा नहीं रहेगा। महाप्रभु वरदान किया दिया, लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगना पड़ जाए लेकिन तेरे घर में कभी दिक्कत नहीं होगी। कारण क्या है? अनुभूति। इसलिए केवल दूसरे की बात पर हम विश्वास करनी चाहिए शास्त्र ग्रंथ में, लेकिन अपना भी कुछ अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन अनुभूति कब होगा? जब हम निष्कपट होकर के, इसलिए कहते जब शरणागत होकर के, देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागति होए निष्कपट भजन कर ले। हमें निष्कपट पूर्वक, हमें भगवत प्रेमी चाहिए, हमें और किस चीज की नहीं चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य हो भगवत प्रेम, और कोई लक्ष्य नहीं हो। अगर निष्कपट रूप में प्रभुपाद कहते हरिनाम करो, भजन करो, करने से क्या होगा? निष्कपट भजन कर ले, एक जन्म ही भगवत प्राप्ति है। देखो प्रभुपाद क्या था, एक जन्म तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी निष्कपट रूप में। इसलिए निर्भर करता है कितना निष्कपट हमारे हृदय से, ऐसे नहीं हम बाहर एक दिखाते अंदर में और कोई है तब भी कल्याण नहीं होगा। नहीं, भगवान को ठग नहीं सकते हैं, दुनिया को ठग सकते लेकिन ठाकुर जी को हम ठग नहीं सकते हैं ठाकुर जी को। इसलिए हृदय से हमारी निष्कपटा होनी चाहिए, सचमुच से हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है, ये निष्कपट हो हृदय। इसलिए क्या होगा, एक जन्म में ही भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है। भगवान के जिनी देखिए दीते पारे, जिनी 24 घंटार मध्य 24 घंटाई भगवान रे सेवा करेन, तार का छे भगवान रे सेवार कथा सुनता है वे ताहिले मंगल है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते जो व्यक्ति 24 घंटा में 24 घंटा क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की जो भक्ति करते हैं, कहते ऐसे अगर भक्तों को साथ हम करेंगे, संग करेंगे, फिर क्या होगा? फिर भगवान के प्रति हमारी दृढ़ विश्वास आएगी, भगवान के प्रति हमारी दृढ़ विश्वास आएगी, तभी हमारा मंगल होएगा। है जब मंगल होगा, अगर जिसका विश्वास है ही नहीं भगवान के प्रति, अगर ऐसे व्यक्ति का अगर हम कथा सुने, संग करें। इसलिए प्रभुपाद बताया किसका संग करनी चाहिए, कहते भक्तों का संग करनी चाहिए, लेकिन तुमसे जो नीचे है ना भक्ति में, तुम जितने बड़े हुए हो उसका नीचे जिस व्यक्ति का, इससे संग कभी मत करो, मना कर दिया प्रभुपाद ने, मना कर दिया। कम से कम तुम्हारी भक्ति जितना ऊंची है, कम से कम उतना संग करो, और कोशिश करो उससे जो थोड़ी बड़े हैं, उससे जो थोड़ी सी भक्ति में बड़े हुए उसका संग करो, लेकिन कम से कम तुमसे जो नीचे है कभी उसका संग मत करो, प्रभुपाद ने मना कर दिया है। उसका संग करोगे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो स्वयं मरा हुआ व्यक्ति, जो स्वयं मरे हुए व्यक्ति, वो स्वयं भक्ति में भगवान में विश्वास नहीं, वो क्या करेगा, तुम्हारी जो भक्ति है ना उसको तोड़ देगा, भक्ति को तोड़ देगा, वो बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? स्वयं भगवान के विश्वास नहीं, वो ऐसे बात बता देगा ना, ऐसे अंदर में है, ऐसे अंदर में सुई घुसा देगा ना, बस बोलेगे भैया वो तो सही बता रहा था, हैं वो मंदिर में इतना दिन तक रहा, वो खुद बोल रहा है ऐसे। लेकिन जिसका भक्ति भक्ति में मंटे में रहने पर थोड़ी रहना थोड़ी होता है, हाँ
तुम्हारी मन जहाँ पर है तुम वहीं रह रहे हो, दिखाई पड़ रहा है मंदिर में रह रहे हैं, लेकिन अगर तुम निष्कपट से भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, हाँ अगर मंदिर में यही चीज़ होता है, कभी कभी दूसरों को कभी कभी मन को तोड़ देते हैं, क्योंकि स्वयं विश्वास नहीं भगवान के प्रति, और दूसरों को विश्वास कैसे दिलाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया तुमसे जो नीचे व्यक्ति उससे संग कभी मत क्या करो, कम से कम बराबर करो तुम्हारी भक्ति बराबर रहेगी, बल्कि थोड़ी सी उच्चे भक्तों का संग करोगे तुम्हारी भावना और ऊंची बढ़ेगी, अगर नीचे व्यक्ति का करोगे खबरदार। लेकिन हमारा स्वभाव क्या जानते हो, थोड़ी सी मन खराब हो जाए ना, हम ऐसे व्यक्ति के पास में जाएंगे हमें जो उत्साहित नहीं दे, ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो भक्ति को तोड़ दे, निरुत्साहित कर दे। हमारे स्वभाव ये हमारे के स्वभाव है, हाँ उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात सुनेंगे, लेकिन हमसे जो श्रेष्ठ भक्त है भजन उसको पास में हम नहीं जाते हैं, कोशिश करते हैं उसका जो नीचे व्यक्ति, बद्ध जीव का स्वभाव यही है, स्वभाव यही स्वभाव है, वो नीचे व्यक्ति को पास में जाएगा उसको पास सुनेगा, लेकिन जो उत्साह देने वाले हमें जो भक्ति के बढ़ाने वाले उसको पास में जीव नहीं जाता है। ये हमारी की बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी हमारी। इसलिए प्रभुपाद कहते 24 घंटा मध्य 24 घंटा जरा सेवा करें तादरे का छही भगवान रे सेवा कथा सुनते हुए ताहले हमारे मंगल, तब भी हमारी मंगल होगा, नहीं तो मंगल हमारी नहीं होगा। और भजन में तो कहते भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ गरुड़, भक्ति मार्ग तो करोड़ों कांटा युक्त है, खुरस धारा निशित दुरतया दुर्गम पतस्तत कवय वदंती। कभी लोग कहते जो भक्ति का मार्ग है ना जैसे ब्लेड के ऊपर में चलना, ऐसे ही ये भक्ति मार्ग है। इसलिए भक्ति को बचाने के लिए हमें अच्छे भक्तों का संग करनी चाहिए, घटिया व्यक्तियों का संग नहीं करनी चाहिए, जो हमें निरुत्साहित देने वाले, हाँ जो निरुत्साहित करने वाले ऐसे व्यक्ति का संग से हमें दूर रहनी चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर में अगर घुस जाए ना कोई चीज़ बात, वो चीज़ गलती चीज़ तो जल्दी घुसती है, अब देखना अच्छी चीज़ सहज में नहीं घुसती है, कमी कोई कमी चीज़ बताए ना वो चीज़ झट हमारे हृदय में वो चीज़ बैठ जाती है, ऊँची चीज़ सहज में नहीं बैठती हमारे हृदय में, हैं भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, गुरु वैष्णव के प्रति विश्वास नहीं, विश्वास दूसरे चीज़ के प्रति होगा। ये बहुत बड़ी बीमारी बद्ध जीव का, ये बहुत बड़ी एक बीमारी है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हाँ भगवत भक्त साधुगण भक्ति चखे श्याम सुंदर कृष्ण के हृदय दर्शन करें। कहते जो भगवान की जो भक्त हैं जो साधु लोग क्या करते हैं, कहते प्रेमा जन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सो विलोकयति। कहते प्रेम रूपी जब अंजन हम लगाएंगे तो वो अंजन लगाने पर हृदय में हर समय भगवान को दर्शन वो करते रहते हैं, हैं दर्शन हृदय दर्शन करें ए रूप साधुर संग वो कृपा होले अमराओ हृदय भगवान के देखते पावो। कहते ऐसे भक्तों का अगर हमें संग प्राप्त होता है फिर क्या होगा, हमें भी हृदय में भगवत दर्शन, हमें भी भगवत दर्शन हमें भी हुआ करेगा। हमारा आर एक टुकु समय नष्ट ना करे सतत तो भगवानेर सेवार जन व्यस्त हब। इसलिए प्रभुपाद कहते हमारा आर एक टुकु समय नष्ट ना करे, कहते अभी हम थोड़ी सी भी समय को हम नष्ट नहीं करके क्या करेंगे, सतत तो भगवानेर सेवार जन व्यस्त हब, हर समय भगवान की सेवा में हमें नियुक्त हो जानी चाहिए, थोड़ी सी भी समय हमें नष्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए सत्संग ही सेवा करते हवे, सेवा कैसे करना पड़ेगा, बोले सत्संग में ही सेवा करना पड़ेगा सब समय, सत्संग थाकिले सेवा वृत्ति बाढ़ते थाकिवे। कहते सेवा की वृत्ति हमारे अंदर में कब बढ़ेगा, हमारे अंदर सेवा करने की भावना वृत्ति बढ़ेगी कब, बोले जब भक्तों का संग में रहेंगे, संतों का संग में रहेंगे, तभी तो जैसे संग में रहोगे वैसे तो भावना बढ़ेगी ना, भावना तो वैसे बढ़ती रहेगी। इसलिए हर समय हमें संतों के साथ में रहनी चाहिए। भगवान शरणागत भक्तेर सकल वांछाई पूर्ण करें। भगवान क्या करते हैं, जो शरणागत भक्त है भगवान उसको हैं सब इच्छा, ठाकुर जी उसकी सारी इच्छा को पूरी करते हैं, कोई भी वो इच्छा करे थोड़ी सी कोई इच्छा को भगवान पूरी कर देते हैं। एक समय प्रभुपाद, कल थी गौर पूर्णिमा, एक दिन पहले, उसी दिन तक पूरा शाम तक
महाप्रभु जब तक जन्म नहीं लेंगे तब तक तो ये नहीं कर सकते ना, तब तक तो भोजन नहीं करते हैं। तो एक दिन पहले प्रभुपाद सोच रहे थे, कल गौर पूर्णिमा है, आज अगर थोड़ा छाना होता है ना, हाँ छाना होता, हाँ प्रभुपाद की इच्छा हुई छाना खाने के लिए। जो भगवान प्रभुपाद की इच्छा हुई, इतने में एक लोग पूरा घड़ा भर करके, हाँ छाना चारों तरफ में मायापुरुष पे पानी, चारों तरफ में पानी पानी थी, वो पानी को पार करते हुए कंधे पर एक घड़ा पूरा छाना लेकर ला कर दिया दिया गया। किसी ने जा कर बोले, प्रभुपाद किसी एक व्यक्ति ने पूरा एक घड़ा छाना देकर गया, घड़ा समझते हो, एक कलश मटकी, मटका छाना देकर गया। प्रभुपाद अपने को धिक्कार देने लग गए, बोले मैंने मन में इसको इच्छा क्यों किया, भगवान को कष्ट करके भगवान को यहाँ तक पहुँचाना पड़ा, ठाकुर जी को यहाँ तक पहुँचाना पड़ गया ठाकुर जी को। उसने प्रभुपाद ने बोला, तुम लोग ठाकुर को भोग लगा करके खा लेना, लेकिन मेरे को मत दिया करना। प्रभुपाद मना कर दे, मेरे को मत दिया करना, तुम लोग आपस आपस में हैं ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगा करके अपने आप खा लेना। इसलिए जब कोई भक्त शरणागत होता है, हैं शरणागत होता है भगवान उसको, देखो अभी हम लोग शरणागत है ही नहीं इतना, लेकिन तब भी इतना प्रसाद रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद एक घर में देखना। एक व्यक्ति दिन में 8-8, 10-10 घंटा काम करता है, दिन भर ऑफिस में काम करेगा, घर में आएगा तो पत्नी के आदेश सुनना पड़ेगा, अभी तो सब्जी नहीं, बच्चे को पढ़ाया नहीं तुमने, ये नहीं वो नहीं, फिर ऑफिस में भागेगा, बिजली ऑफिस में, पानी ऑफिस में भागेगा, सब्जी। अब देखना एक व्यक्ति दिन भर 24 घंटा काम करता है, अब खाते समय देखना क्या खाता है, एक रोटी कोई एक सब्जी होगा, हाँ एक रोटी कोई सब्जी होगा, वो इतना ही खाता है। लेकिन हमारा मंदिर में देखो, रोज छापान भोग 36 व्यंजन है, भजन नहीं करके भी हम लोग भजन नहीं करते कि भी थोड़ी सी केवल साधु का वेश धारण कर लिया ठाकुर, तब इतना ठाकुर जी दे रहे हैं। अगर हम सचमुच से भक्ति करेंगे तो फिर ठाकुर हमें क्या नहीं देंगे, ठाकुर जी जो सोच नहीं सकते। गुरुदेव, रात में 10 बजे दूध आया इनकी इच्छा करने से, हाँ बिना पिए सो रहे थे, वो कालू रात में 10 बजे दूध दे करने। इसलिए इसलिए पुजारी का चेहरा बदल गया, देखो देखो पहले आपका चेहरा देखा कैसे, अभी आपका चेहरा देख रहे एकदम पूरा चकाचक दिख रहे। इसलिए यहाँ पर कह रहे भगवान शरणागत भक्तेर सकल वांछा पूर्ण करें, लेकिन कमी हमारी अंदर में, ठाकुर के अंदर में कमी नहीं, कमी हमारी अंदर में, हम सही सही ठाकुर जी के चरण में शरणागत नहीं हो पा रहे हैं। एवं ताहा के कखनो प्रत्यक्षण करें ना, यहाँ पर कह रहे प्रभुपाद कह रहे करो, प्रभुपाद जो अनुभूति संपन्न व्यक्ति कह रहे, बोले भगवान सारा दुनिया को प्रत्याख्यान कर, प्रत्याख्यान छोड़ सकते हैं, प्रत्याख्यान नहीं, अपना भक्तों को कभी भगवान प्रत्याख्यान नहीं, उसको इच्छा को कभी प्रत्याख्यान नहीं करते। भक्त थोड़ी सी कोई इच्छा करे ना, भगवान उसी समय उसकी इच्छा को ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। ठाकुर जी कृष्ण सेई सत्य करे जय मागे भृत्य, हाँ हाँ ये कहते कृष्ण सेई सत्य करे, जय मागे भृत्य, भृत्य जो चाहता है ठाकुर जी उसको सत्य कर देते हैं। आमादिग के आश्रय दिया रक्षा करार क्षमता के मात्र भगवान रे आचे, देखो कितना बड़ी बात प्रभुपाद कहते हैं, कहते हमको रक्षा आश्रय दे करके रक्षा करने का क्षमता किसको अंदर में है, लेकिन हम ठाकुर में विश्वास नहीं होता है, हमारी दुनियादारी में विश्वास होता है, ये रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, लेकिन ठाकुर रक्षा करेंगे हमारे विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है, कौन रक्षा कर सकता है, ठाकुर ही रक्षा कर सकते हैं। दुनिया में कृष्ण सिवाय जगत में कोई नहीं है, जाके रखे साइया मार सके ना कोई, जिसको भगवान रक्षा कर सकते हैं उसको जगत में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एतत व्यतीत अपर कहारो सही शक्ति नाई, कहते भगवान को छोड़ करके दुनिया में किसी की भी शक्ति नहीं जो कि हमें रक्षा कर सकता है। यही विश्वास दृढ़ है ले हमारा निर्भय निश्चित सुखी सफल काम होते पार वो, अगर जब ये विश्वास हमारी दृढ़ता हो जाए, क्या दृढ़ता, रक्षा करने वाले केवल कृष्ण, इनके सिवाय और कोई रक्षा करने वाले नहीं, अगर ये दृढ़ विश्वास हो जाए ना, फिर क्या होगा, फिर हम निर्भय हो जाएंगे। जब ठाकुर हमें रक्षा करने वाले, फिर किस चीज के फिर भय है, किस चीज के भय नहीं, निश्चिंत हो जाएगा भैया, और चिंता की कोई विश्वास नहीं। इसलिए भक्तिमय ठाकुर कहते हैं ना,
आत्मनि वेदना तू आपद करी आइनो परमा सुखी। दुख दूरे गेला चिंता ना रहिला चौदिगे आनंद देखी। अशोक भय अमृत आधार तोमार चरण दोय। ताहाते खना विश्राम लभिया छाड़ी नो भवेरा भाई। ये भक्त मतलब कितनी बड़ी बात कर प्रभु हैं। तब तक हम दुखी थे, तब तक तुम्हारी शरण में नहीं आए। जब तुम्हारी शरण में आ गए ना अशोक, अभय और अमृत तो तुम्हारी चरण में, ये छाड़िनो भवेर भय, अभी हमारे कोई डर भय नहीं। क्यों? तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में हमने आ गए आए। हई लू परम सुखी, अभी कोई दुख नहीं, सुखी सुखी है। दुख दूरे गल चिंता ना रही लो, जीवन का जितने दुख है सब के सब खत्म हो गया, अभी कोई चिंता नहीं। क्यों? तेरे शरण में हमने आ गए। इसलिए प्रभु कहते निश्चिंत सुखी और सफल काम होते पारवो हाँ, जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए मंगलमय कृष्णेर मंगल दातृत्व परिपूर्ण विश्वास होले आमादरे मंगल निश्चय होवे। भगवान कौन है? कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी। कहते मंगलमय कृष्णेर मंगल दातृत्व, भगवान मंगल ही देते हैं, मंगल भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए परिपूर्ण अगर हमारे विश्वास हो जाता है हमारे मंगल निश्चित रूप में होगा। इसलिए भगवत पाद पद में पूर्ण शरणागत होले जे की महामंगल है ता भाषाए व्यक्त करा जाए ना। कहते भगवान के चरण में शरणागत होने से क्या मंगल होता है, कहते इसको भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हो, उसको भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हो। भगवान की शरण में आकर के भगवान के भजन करने से जो कल्याण हो सकता है कभी भाषा में व्यक्त कर ही नहीं सकते। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारे मंदिर में ना, मंदिर में हम कितना साल हम मंदिर में बीत जाता है, कितने साल बीत जाता है, लेकिन पता नहीं चलता हमारे समय कैसे बीत गया है। हाँ, हम जब सोचते हैं इतना साल हो गया मंदिर में, हम पता ही नहीं चला कारण क्या है। हर समय भगवान कहते ना वैष्णव संगत मन आनंदित हनुमान सदा है कृष्ण प्रसंग। हर समय कीर्तन कथा पाठ चलता रहता है, भगवान के उत्सव चलती रहती है, पता नहीं चलता कैसे आनंद में जीवन बीत, लेकिन दुख में समय बीतना नहीं चाहता है। एक एक पल भी बीतना बड़ा कठिन होता है दुख में, लेकिन आनंद में क्या होता है पता ही नहीं चलता। समय कब हमारी बीत जाती है, हमारी उम्र कैसे बीत गई। जब हम सोचता हूँ हम कितना साल उम्र में आया था, मैं करके तेरे 14 14 साल उम्र में आया था ऐसे होगा। हाँ, और जब मैं सोचता हूँ इतना साल मठ में बीत गया कैसे भैया, हम मठ में बीत गया कैसे इतना साल, हमें पता ही नहीं चला मठ में कैसे बीत गया इतना साल है। क्योंकि हर समय कीर्तन कथा में जीवन हमारी बीत जाती है। जब हम कहीं कथा करने जाते हैं 7 दिन तक कथा करते हैं, जब हम वहाँ से जाते हैं ना, लोग इतने दुखी होते हैं, कहते महाराज जी अभी हमारा समय बीत गया कैसे। अभी यहाँ 4 4 घंटा 5 5 घंटा कथा सुनते थे, नाचते थे, कीर्तन करते थे, कूदते थे, हाँ कैसे समय बीत, कहते कल से हम अभी सोचने में पड़ गए कल से हमारे समय ये समय बीतेगा कैसे। हमने हमारे से भैया हमारे तो आनंद ही आनंद है, यहाँ कथा खत्म कर दिया दूसरे जगह पर, दूसरे दिन कथा कीर्तन कथा में, ऐसे ही पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाती है। जो भगवान की भजन कीर्तन कथा में जो जीवन को बिताते हैं, ठीक है ना, क्या करनी चाहिए? भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास करके भजन करनी चाहिए, और हमें कुछ समय निकालनी चाहिए जो एकांत में बैठे बैठ करके हरि नाम को हृदय से पुकार पुकार करके हृदय से हरि नाम को जप करे। फिर तो भगवत अनुभूति, तभी हमारी जीवन में भगवान के प्रति अनुभूति और विश्वास तभी होगा। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल निखिल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय गौर ब्रह्मानंद हरि और जय।